हेलो दोस्तों, जय माता दी। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल में। दोस्तों, मैं आज बना रही हूँ कॉर्न से डोसा, जो कि बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में। आप कॉर्न से भी बना सकते हैं या फिर भुट्टे से बना सकते हैं, जो ताज़े भुट्टे मिलते हैं हरे वाले, उससे भी बन जाते हैं ये रेसिपी। तो मैं बना रही हूँ स्वीट कॉर्न से, तो आइए चलते हैं बनाने के लिए, बहुत ही सिंपल तरीके से, जो कि हेल्दी भी है और खाने में भी टेस्टी लगेगा। तो आइए बनाते हैं। मैंने लिया है मिक्सी का जार और इसमें डालेंगे, देखिए ये एक कटोरी स्वीट कॉर्न है। आप हरे भुट्टे से भी बना सकते हैं, उसका दाना निकाल के। मैं स्वीट कॉर्न ली हूँ तो एक कटोरी के करीब है। और ये है अदरक, लहसुन और हरी मिर्च, तो इसको भी डालेंगे और इसको पीस लेंगे। फाइन पेस्ट इसका बना। ये चावल मैं भिगो के रखी हूँ। इस कटोरी से 1.5 कटोरी चावल मैं दे दी थी फूलने के लिए 4 घंटा पहले, तो ये फूल गए हैं, इसको भी मैं पीसूंगी। और ये है मूंग की दाल, ये एक कटोरी इस कटोरी से नाप के दी हूँ। तो सबको पेस्ट बना लेते हैं अच्छे से, फाइन पेस्ट। पहले इसको पीस लेंगे, उसके बाद चावल और दाल को भी पीसेंगे। इसको मैं पीस ली हूँ कॉर्न को, अब पीसेंगे दाल। अब दाल को भी इसी जार में पीस लेंगे। दाल को मैं धो दी थी अच्छे से, इसका पानी निकाल दी थी। इसको भी मैं पीस ली हूँ, दाल को भी बिल्कुल फाइन बनाना है इसका पेस्ट। पूरा अच्छे से इसको पीसेंगे, चावल को भी पीस लेंगे उसी तरीके से जिस तरीके से दाल और कॉर्न को पीसी, बिल्कुल फाइन पेस्ट बना के तैयार करेंगे। देखिए चावल को भी मैं पीस ली हूँ। इसको मिक्स कर देंगे तीनों को। तो देखिए इसको छू के देखते हैं, बिल्कुल देखिए बारीक पीसे हैं इसको। इसमें थोड़ा सा भी दरदरा नहीं होना चाहिए, ना तो फिर डोसा जो है अच्छा नहीं बनेगा। डालेंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, इसको मिक्स करेंगे नमक को अच्छे से। ये थोड़ा गाढ़ा लग रहा है तो इसमें थोड़ा सा पानी डालेंगे। जिस तरीके से डोसा बनाते हैं उसी तरीके से इसको बनाएंगे। इसकी कंसिस्टेंसी जो है डोसे के जैसे ही रखना है। डोसा का बैटर बनके रेडी हो गया है, तो चलिए फटाफट से इसको बनाते हैं। तो इधर मैं तवा चढ़ा दी हूँ गर्म होने के लिए, और ये गर्म भी हो गए हैं, तो इसमें तेल और पानी का हल्का दे के साफ़ कर देंगे तवे को। आप चाहें तो लोहे के तवे भी बना सकते हैं। तो ये देखिए करछी में लेंगे और बीच में डालेंगे, इसको हल्के हाथ से फैलाएंगे। आप अपने हिसाब से मोटा पतला जैसा भी रखना चाहते हैं उसके अनुसार आप रखिए, अपने अनुसार इसको बीच से इस तरीके से फैलाएंगे। और गैस का फ्लेम मीडियम रखेंगे, ना ज़्यादा हाई ना ज़्यादा लो, बीच में। तो सीखते हुए थोड़ा टाइम हो गया है, अब इसमें मैं बटर डाल दे रही हूँ। अब बटर घी कुछ भी डाल सकते हैं, तेल। इसको इस तरीके से चम्मच से इस तरीके से बटर को फैला देंगे डोसे पे। अब इसमें डालेंगे पनीर ग्रेट करके। आप पनीर या चीज कुछ भी डाल सकते हैं अपने हिसाब से, आपको जो भी पसंद हो आप वो डालिए। थोड़ा सा धनिया, हरा धनिया। अब ये बिल्कुल बनके रेडी है मेरा डोसा। अब इसको पलट लेते हैं, देखिए कितना क्रिस्पी हुआ है, बहुत ही मज़ेदार सा डोसा बनके रेडी हो गया। आप इसको सांभर के साथ या फिर बादाम की चटनी, नारियल की चटनी या फिर सॉस के साथ भी इसको खा सकते हैं। तो मैं सांभर बनाई, अभी सर्व करके मैं दिखाती हूँ। मैं सांभर निकाल रही हूँ, तो इसको इस तरीके से तोड़िए। और ये गया आधा के और लो। तो कैसा लगा दोस्तों, बताइए कमेंट करके मेरा रेसिपी और डोसा, कमेंट करके जरूर बताइएगा और लाइक कीजिएगा। अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। फिर मैं अगली वीडियो आप लोगों से मिलती हूँ।
तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, गुड नाइट, जय माता दी।